14B. Name an exciting actor. Shahrukh. Exciting cricketer. Sachin. Exciting car. Can we answer that on the 13th of October? Come 13th October, India will be on. Hyundai. आखिरी सवाल 10 करोड़ का। फिल्म खुदा गवाही में जब अमित जी हीरोइन को लेने आते हैं तो लास्ट रो में छठे घोड़े पर सवार सोल्जर के काफ्तान का रंग क्या था? हरा था। Are you sure? छठा घुड़सवार काफ्तान 10 करोड़ का सवाल है। सोच लो, आपके पास टाइम है। टाइम है ही तो सुनिए। काफ्तान का कलर था हरा। हरे काफ्तान में सोने की जरी थी। जरी के अंदर छोटे छोटे गुलाब के फूल थे। फूल के अंदर थे मर्मिड्स यानी मत्स्य कन्या, और मत्स्य कन्या के फिन्स ब्लू कलर के थे, और हर चौथे ब्लू कलर के फिन पर एक बस। इसमें तो सिर्फ हरा लिखा है। आप जीत गए। टाटा स्काई के हाई डेफिनेशन क्लैरिटी वाले HD बॉक्स में टीवी देखने वालों को वो दिखता है जो औरों को नहीं। HD लगा डाला तो लाइफ और भी जिंगा लाला। एक दूसरा संबंध है परिवार का। परिवार में मैं ये देखता हूँ आजकल की हमारी इस नए जमाने की जिंदगी में कि हम कहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे जी। हम अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलना सिखाएंगे जी। लेकिन उसी घर में बैठ के हम अपनी टैक्स चोरी की बात करते हैं, वहीं पर हम कहते हैं कि फोन आए तो किसी से झूठ कह दो कि हम घर पर नहीं है, और ऐसी ही नैतिकता ऐसे ही संस्कार हम अपने बच्चों में भर रहे होते हैं। कैसा पाखंड है ये, क्यों है? देखिए, पहले देखते हैं कि जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं घर, गृहस्थी, संस्कार, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा डीप में जाते हैं। तो मनुष्य एक ही प्राणी है जो जीवन के ऊपर विचार कर सकता है, पशु ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है। इसलिए भगवान का जो पहला नाम वेदों में पाया गया है वो है क, केवल ये अर्थ। तो क ख ग वर्णमाला का जो पहला क, जहां से आता है शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे, क्यों, जो क्वेश्चंस हैं, मनुष्य प्रश्न पूछता है। हम किसके बारे में प्रश्न पूछते हैं? हम संसार के बारे में पूछते हैं। अगर आप दोनों को जोड़ दो तो आता है संस्कार। मतलब संस्कार, और यहां से आता है संस्कृति। तो अगर आप ये देखें तो ये आता है क्वेश्चन से, लेकिन आजकल घर में हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अपने आप से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बच्चों से प्रश्न नहीं पूछ रहे, बच्चे बड़ों को, हम सिर्फ सीख दे रहे हैं। अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो संस्कार नहीं आएगा। एग्जामिन नहीं कर रहे हैं तो एग्जामिन नहीं कर, परिष्कार हमारा एज इंडिविजुअल हमारा परिष्कार नहीं हो रहा है। और एक सोसाइटी में एक प्रेशर है कि आपको ऐसे ही बोलना है, तो कौन, तो सच हम बोल नहीं सकते, हमें कहा गया कि यही बोल सकते हो आप। तो अगर मुझे पैसे बचाने हैं तो मुझे पैसे नहीं देने गवर्नमेंट को, मैं ये बोल नहीं सकता, अगर मैं बोल दूं तो जेल में डाल देंगे। तो मैं पब्लिकली मैं कुछ और बोलता हूँ, प्राइवेटली कुछ और बोलता हूँ, कि घर क्या बोलते हैं, घर के अंदर और घर के बाहर जो बोली है बदल गई है। तो देवदत्त जी ये बताइए कि हमको बड़ा गुमान है जी कि हम बड़ी प्राचीन संस्कृति हैं, सत्य अहिंसा के, करुणा के, बलिदान के, आदर के बड़े पाठ हमने दुनिया भर को सिखाए हैं। उसमें मैं देखता हूँ कि हमारी निजी हिंसा जी, अहिंसा की हम बात करते हैं, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक हिंसा भी बहुत है, ये कैसे आ सकता है? पहले स्टेप वन पूछते हैं कि देवी देवताओं के हाथ में हमेशा हथियार होते हैं। क्यों? अभी अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो बोलेंगे चुप बैठ, बात मत कर। हम जाते हैं देवी के, वहां पे त्रिशूल है और वो महिषासुर का वध कर रही है, तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा मर्डर हो रहा है। नहीं पूछ सकते आप, बुराई का संहार नहीं कहते ना, बुराई का संहार। तो बुरे आदमी को मारना ठीक है, किसने कहा वो बुरा है, आपने कहा या मैंने कहा या कोर्ट ने कहा? बुरा का मतलब क्या है, यही तो, इसी को क कहते हैं, जहां से भगवान का जन्म आता है। प्रश्न पूछना कि मर्डर कहां ठीक है, हिंसा कब ठीक है और कब ठीक नहीं है, क्या प्रकृति में हिंसा है? हाँ, प्रकृति में हिंसा है। जब तक एक पशु दूसरे पशु को नहीं मारता है तब तक वह जीवित नहीं रह सकता।
तो हिंसा तो प्रकृतिक प्राकृतिक है, तो ये अहिंसा शब्द आया कहां से? हम ये पूछते भी नहीं है, इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं करते। जैसे ये कहानी तो फेमस कहानी है जहां पे एक चील एक कबूतर के पीछे भाग रही है और कबूतर राजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे बचाओ। तो राजा कहता है कि हां मैं तुझे बचाऊंगा। अभी बचाना किसको बचाना है? तो कबूतर कहता है मुझे बचाओ, तो चील कहता है कि तो मैं खाऊंगा क्या? तो कहता है किसी और को खा लाओ। तो एक को बचाने के लिए दूसरे को मारोगे? तो राजा कहता है कि अच्छा उसे दूसरे को मत मारो, मुझे खा जाओ। तो चील कहता है कितने दिन तुम्हें खाऊं? एक दिन तो तुम मर जाओगे, उसके बाद वापस मुझे किसी के पीछे भागना पड़ेगा, और तुम मर गए तुम्हारा राज्य का क्या होगा? तो कहानी बताते समय हम कहते कि कितना महान बलिदान है, उसने हिंसा को रोका। कहां रोका? मतलब प्रकृति को रोका। तो प्रकृति में तो हिंसा है, तो हमने इसके ऊपर विश्लेषण किसी ने किया ही नहीं। हम सिर्फ कहते हैं कि अहिंसा अच्छा है। अहिंसा का मतलब जब जैन मुनि अहिंसा करते हैं तो उसका मतलब क्या है? हम प्रकृति के नियमों से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब वही फल खाएंगे जो पेड़ से गिरता है और कुछ नहीं खाएंगे, तभी हम सचमुच में अहिंसावादी होते हैं। क्योंकि हम बहुत असहिष्णु हो गए हैं जी। और शायद वो असुरक्षा से निकलता होगा जी। हम कैसे अपने लिए रास्ता ढूंढें कि अपनी निजी जिंदगियों को, अपने परिवार की जिंदगियों को कम से कम थोड़ा सा हिंसा मुक्त कर सके। शारीरिक हिंसा एक चीज होती है, लेकिन हम तो दिमागी तौर पर भी हिंसा करते हैं डे टू डे बेसिस जी। पहले ये जानने के लिए हिंसा क्यों करते हैं, पहले वो तो पूछो। एक आदमी किसी दूसरे इंसान को मारता क्यों है? हम कंट्रोल क्यों करना चाहते? मारने का मतलब कब मारते हैं? जब गुस्सा कब आता है? हिंसा के पहले गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है? जब हमें लगता है हम हेल्पलेस हैं, हम हताश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कंट्रोल करना है कि तुम मेरी बात सुनो, जब तुम मेरी बात नहीं सुनते तो मैं हाथ उठाता हूं। तो मैं ये क्यों करना चाहता हूं? वाई डू आई वॉन्ट टू कंट्रोल यू? वाई डू आई वॉन्ट सबको कठपुतली बनाना क्यों चाहता हूं कि जो मैं कहूंगा वही बात सुनो, मेरी आदर करो, मैं जो कहा वही करो? क्योंकि जब मेरी बात लोग प्रकृति में कोई मेरी बात नहीं सुनता, तो मैं सोचता हूं कि एटलीस्ट घर के अंदर लोग मेरी बात सुने, फिर मुझे अपने आप में मुझे सिक्योर लगता है, सुरक्षित लगता है। यहां तो मेरी चले, यहां तो मेरी चले। ऑफिस में नहीं चलती है, रस्ते पे नहीं चलता है, घर में भी नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा आएगा ही। चुप। फर्स्ट टाइम।